हेलो स्ट्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन दोनों का वन शॉट रिवीजन इन डेप्थ में विद क्वेश्चंस विद ऑल कॉन्सेप्ट्स पिछली क्लास में मैंने आपको एन कराया था मैंने कहा था आपसे चार दिन के अंदर आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको एन करा दिया था अच्छे से एन के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं आज मैं रिटायरमेंट और डेथ दोनों करा दूंगा तो इन दोनों चैप्टर से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब डिस्कस करूंगा और आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप करोगे अपनी एबिलिटी को देखने के लिए और आई रिक्वेस्ट यू ऑल की मॉक टेस्ट जरूर लगा देना तीन मॉक टेस्ट क्लास एस मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है क्लास वहां से जाओ मॉक टेस्ट क्लास पूरा का पूरा मॉक टेस्ट का पी है उसकी पूरी क्लास सॉल्यूशन की पीडीएफ है उसके वीडियो सॉल्यूशन है और मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने इन तीन मॉक टेस्ट को ईमानदारी से अच्छे से बना लिया तो आपका पूरा का पूरा कवर का हो जाएगा एस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाकर डाउनलोड करके उसे जरूर बनाना मतलब रोज एक एक मॉक टेस्ट आपको बनाना है एक दिन में दो मॉक टेस्ट आप बना सकते हो अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो जो जो गलती है उन क्वेश्चंस को रिपीट भी कर सकते हो आप राइट चलो तो हम बात करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट्स टर्म टू का अगर हम बात करें क्लास रिटायरमेंट और डेथ में सबसे पहली बात क्या है कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी देखो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आ जाएगा गेनिंग रेशियो और जो न्यू रेशियो है वो कैसे निकलेगा मान लो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर से इनकी रेशियो है फोर रेशियो थ्री रेशियो थ्री जेड जो है वो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो x और y की जो रेशियो बची ना क्लास यहाँ पे फोर रेशियो थ्री यही न्यू रेशियो होती है यही गेनिंग रेशियो होती है इसको बोलते हैं सिंपल केस इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो जो बची हुई है रिमेनिंग पार्टनर्स की वो हमेशा न्यू रेशियो के बराबर होगी और वही हमेशा गेनिंग रेशियो के बराबर होगी ये सिंपल केस है लेकिन इसके अलावा एक और केस आ सकता है जहाँ पे ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं मान लो इनकी रेशियो है थ्री टू वन थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स वन बाई सिक्स बी छोड़ के जा रहा है तो बी रिटायर हो रहा है अब बी अपना हिस्सा दे के जाएगा किसको ए और सी को सीधी सी बात है बी जा रहा है छोड़ के तो बी अपना हिस्सा ए और सी को देके जाएगा ध्यान सुनना बी अपना हिस्सा ए और सी को जिस रेशियो में दे के जाएगा वही रेशियो कहलाती है क्लास गेनिंग रेशियो बी अपना हिस्सा ए और सी को जिस रेशियो में दे के जाएगा वही रेशियो क्या कहलाएगी आपकी गेनिंग रेशियो अब अगर बी कहता है अपना हिस्सा वो ए और सी को थ्री रेशियो टू में देगा तो थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव किस टू बाई सिक्स का तो टू बाई सिक्स का आप थ्री बाई फाइव निकालोगे टू बाई सिक्स का टू बाई फाइव निकालोगे जो आएगा वह आप ए में और सी में ऐड कर दोगे ए का था थ्री बाई सिक्स और सी का था वन बाई सिक्स ऐड कर देना इसमें कितना आएगा थ्री टू जा सिक्स और सिक्स फाइव जा थर्टी टू टू जा फोर सिक्स फाइव जा थर्टी आप इनको ऐड करके जो एक रेशियो बनाओगे वो न्यू रेशियो आ जाएगी तो सिंपल केस जो होता है एक्स वाई जेड का तीन का रेशियो दिया होगा जो छोड़ के जा रहा है उसको हटा लो उसको छुपा लो और मेजर केसेस में यही न्यू रेशियो यही गेनिंग रेशियो आता है जो अक्वायर्ड केस है उसमें क्या होता है जो नया पार्ट जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर उसके हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर किसी रेशियो में अक्वायर कर लेते हैं या फिर इक्वली होता तो वन बाई टू वन बाई टू कर लेते और टू रेशियो थ्री होता तो टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव कर लेते जो भी छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा इन दोनों में बढ़ जाएगा इनको ऐड कर देना ऐसे आएगा थर्टी सिक्स फाइव जा थर्टी फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी ये भी आ जाएगा थर्टी सिक्स फाइव जा थर्टी फाइव वन जा फाइव प्लस फोर नाइन अपॉन थर्टी तो ट्वेंटी वन रेशियो नाइन आप काट सकते हो तीन के पहाड़े से थ्री थ्री जा नाइन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन सेवन रेशियो थ्री आपका न्यू रेशियो आ गया और ये न्यू में से अगर ओल्ड घटा दोगे तो गेनिंग आ जाएगा बट आप खुद ही देखो बी अपना हिस्सा ए और सी को थ्री रेशियो टू में देके जा रहा है तो यही थ्री रेशियो टू सिंपल क्या हो जाएगी आपकी गेनिंग रेशियो कई बार क्लास ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई अपने हिस्से का वाई अपने हिस्से का थ्री बाई सेवन जो है वो एक्स को देके जा रहा है और रिमेनिंग जेड को देके जा रहा है बहुत ही सिंपल सा केस है वाई जा रहा है छोड़ के अपने हिस्से का थ्री बाई सेवन अगर सात में से तीन अपने हिस्से के साथ हिस्से कर रहा है सात टुकड़े कर रहा है सात में से तीन तो बचा कितना सात में से भाई सात में से तीन तो बचा कितना सात में से चार तो, तो थ्री रेशियो फोर क्या आ गया गेनिंग रेशियो तो जितना भी वाई का हिस्सा है उसका थ्री बाई सेवन यानी कि नाइन बाई सेवेंटी और ये आएगा फोर बाई सेवन यानी कि ट्वेल्व बाई सेवेंटी ये दोनों क्लास आप ऐड कर दोगे एक्स के पास पहले कितना था फाइव अपॉइंट टेन जेड के पास पहले कितना था टू अपॉइंट टेन ऐड कर दें क्लास कितना नाइन अपॉइंट सेवेंटी और ऐड कर दोगे यहाँ पे

तो ये इस तरीके से क्लास आपको न्यू रेशियो निकालना होता है मैक्सिमम यही है न्यू रेशियो क्यों बोल रहा हूँ क्लास क्या पता किसी बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ घुमा दे क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट कर दे तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू रेशियो है जो न्यू रेशियो है वो इस तरीके से निकालते हैं ऑरिजिन शेयर प्लस अक्वायर्ड शेयर और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जानते हो आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ओके चलो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात हमारे रिवीजन में क्या है रिवीजन थोड़ी सी लंबी जरूर होती है क्योंकि हम सब कुछ कवर करते हैं फॉर्मेलिटी नहीं करते क्योंकि मैं जानता हूं क्लास जब तक मैं तुम्हें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कराऊंगा जब तक मैं तुम्हें हर एक टाइप की चीज़ों को डिस्कस यहां नहीं कराऊंगा तब तक बात नहीं बनेगी मैं सिर्फ आपको आगे रूल रूल बता के चले जाऊँगा क्लास शायद टॉपर बच्चे कर लेंगे लेकिन मुझे हर किसी को लेना है मुझे गोल्ड वाले स्टूडेंट्स को भी देखना है ब्रॉन्ज वालों को भी इवन सिल्वर वालों को भी तो मैं एक एक करके हर चीज़ कराऊंगा हर टॉपिक हर क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा है कैलकुलेट न्यू रेशियो शिव मोहन हरी तीन पार्टनर्स इन शेयर 554 है मोहन रिटायर हो गया है हिज शेयर इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव और हरि मुझे बताओ कौन जा रहा है छोड़ के सर मोहन जा रहा है मोहन का हिस्सा कितना है क्लास 5/14 55 10 plus 4 514 मोहन अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है क्लास इक्वली शिव और हरि तो यहाँ पे 5/14 का आधा करोगे 1/2 5/14 का आधा करोगे 1/2 तो ये आएगा 5/28 या आएगा 5/28 ठीक है तो आप मुझे बताओ क्लास यहाँ पे शिव और हरि ये तो मोहन था ना तो आप मुझे बताओ शिव और हरि शिव के पास पहले कितना था फाइव अपॉन फोर्टीन हरि के पास कितना था पहले फोर अपॉन फोर्टीन प्लस करोगे आप कितना फाइव अपॉन ट्वेंटी एट फिर कितना प्लस करोगे फाइव अपॉन ट्वेंटी एट एल सी एम कितना आएगा ट्वेंटी एट फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट टू फाइव जा टाइव फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी एट यहाँ भी आएगा ट्वेंटी एट फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट टू फोर जा एट एट प्लस फाइव थर्टीन अपॉन ट्वेंटी एट सो रेशियो कितना क्लास आ रहा है फिफ्टीन रेशियो थर्टीन ये आ गया क्लास आपका न्यू रेशियो तो इस तरीके से सिंपल के मतलब कि आ, जो अक्वायर केस है आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो क्वेश्चन में बदलेगा नाम रेशियो ये इनको इक्वली दे रहा है वन रेशियो वन में तो यही गेनिंग रेशियो होगी आप निकाल के देखना मुझे कॉमेंट में बताओ सब बच्चे निकाल के बताओ मेरी बात मानो जो मैं बता रहा हूँ फायदा होगा ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो है एरा तो आप फटाफट जरा मुझे बताओ कि कितना आपका आएगा न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों की वन है तो आप मुझे बताओ कि गेनिंग रेशियो कितना आएगा क्या गेनिंग रेशो इक्वल आ रहा है पक्का इक्वल ही आएगा आपका राइट चलो तो ये हमारी बात हो गई अब तक किसकी नई रेशियो की और गेनिंग रेशियो की क्यों मैंने गेनिंग रेशियो पे इतना जोर दिया क्योंकि अगला टॉपिक है गुडविल का और गुडविल में ट्रीटमेंट में जो गुडविल की एंट्री होती है जिससे पक्का क्वेश्चन आएगा 100 परसेंट आएगा वो आएगा क्लास गुडविल चैप्टर से मतलब गुडविल की एंट्री आपको पूछा जाएगा और वो एंट्री आप करोगे गेनिंग रेशियो में इसलिए क्लास में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता रहा हूं तो मैं यहाँ पे दो गुडविल की बात करूंगा बहुत ध्यान से समझना क्लास सबसे पहला जो गुडविल है ना सबसे पहला गुडविल अपियर इन ओल्ड बैलेंस शीट ध्यान सुनो गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट और बहुत अच्छे आज और में। में अच्छे क्वेश्चन रखे तुम्हारा टारगेट है लेना है <coughs> चाहे कुछ भी हो तो यहाँ पे गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट तो अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है तो आपको पता है सब क्या करते हैं उसको राइट ऑफ करते हैं किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और यह एंट्री किस रेशियो में होगी क्लास ओल्ड रेशियो में राइट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो ओल्ड रेशियो अब ध्यान समझना जो गुडविल होगी एडिशनल पॉइंट में एडिशनल पॉइंट में नीचे देखो जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसने बिजनेस के नाम को कई साल तक बनाए रखा उसने भी मेहनत की है बिजनेस के नाम बिजनेस के रेपुटेशन को बनाने में तो अगर बात छोड़ के जा रहा है तो वो अपना हिस्सा गुडविल का जरूर लेके जाएगा राइट तो उस गुडविल का हिस्सा वो लेके जाएगा तो उसे गुडविल का हिस्सा देगा कौन तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसे देंगे तो यहाँ पे जो एंट्री होती है वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग रिमेनिंग मतलब गेनिंग ठीक है तो जो भी पार्टनर उसके जाने से गेन कर रहे हैं वो उसे कॉम्पनसेट करेंगे तो इसलिए एंट्री क्या होती है रिमेनिंग पार्टनर टू तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस एंट्री को सीधी सीधी भाषा में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कह सकते हो आप और ये एंट्री किस रेशियो में होती है गेनिंग रेशियो यानी ये एक ऐसी एंट्री है जो कि गेनिंग रेशियो में होगी और ये पक्का आएगा आएगा ही आएगा गारंटी है आएगा ठीक है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन विच रेशियो गेनिंग रेशियो बात समझ आई अब जरा कहानी सुनना इसके अंदर हम दो तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है देखो तुम्हें पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी होगी तुम्हें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी होगी अगर तुम्हें रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है बट अगर तो आपको पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है तो कैलकुलेट कैलकुलेट करोगे आप रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले आप उसके हिस्से की गुडविल को निकालो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है बिज़नेस को सबसे पहले आप उसके हिस्से की गुडविल को निकालो राइट दूसरी एंट्री क्या करोगे आप जो छोड़ के जा रहा है आपने उसके हिस्से गुड हिस्से गुड निकाल ली तीसरी चीज़ आपने दूसरी चीज़ आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है फिर तीसरी चीज़ आपको एंट्री पास करनी है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो तो ये ध्यान रखना सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल को निकालो फिर आप गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करो फिर आप क्या करोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो आप एंट्री पास कर दोगे अब मैं तुम्हें छोटी सी चीज़ और सिखाता हूँ जहाँ प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रॉब्लम होती है मान लो बी छोड़ के जा रहा है एंट्री आपने पास किया है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट मान लो ये है पाँच हज़ार और यह तीन हज़ार और यह आठ हज़ार तो अब बच्चे मुझे आप सिर्फ इस एंट्री को देख के गेनिंग रेशियो बता दो एंट्री को देख के गेनिंग रेशियो कितनी होगी भाई जाहिर सी बात है ये गुडविल की एंट्री है ये गेनिंग रेशियो में बढ़ता है पांच और तीन है तो जाहिर सी बात है पांच हजार तीन हजार मतलब जो गेनिंग रेशियो आएगा वो फाइव रेशियो थ्री ही आएगा सिंपल सी बात है तो जो गेनिंग रेशियो आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्या मिलेगा फाइव रेशियो थ्री देखने को मिलेगा दूसरी बात कई बार ऐसे कहता है कि बी अपने हिस्से का जो प्रॉफिट है वो ए और सी को बेच रहा है बाई सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट भैया वो एक ही बात है ये गुडविल की ही एंट्री होती है बी छोड़ के जा रहा है तो बी अपना रिमेनिंग हिस्सा ए और सी को देके जा रहा है ए और सी गेन कर रहे हैं इसीलिए ए और सी कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे बी को राइट तो इसी को बोलते हैं कि बी अपना हिस्सा बेच के जा रहा है ए और सी को तो वो गुडविल की ही एंट्री है चलो खैर ये तो हमने समझ लिया क्लास यहाँ पे ये बातें तो क्लियर हो गई सर ये एंट्री है दिक्कत आती क्या है दिक्कत आती है इसकी लेजर पोस्टिंग है मेरी बात ध्यान से समझना क्लास ट्वेल्थ में होने के बाद बावजूद भी कई सारे बच्चे नहीं जानते हैं और इस छोटी सी चीज़ के पीछे क्वेश्चन आपका गलत हो जाए और पाँच नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें तो इसीलिए मैं आपको सिखा के चल रहा हूँ सब कुछ सीखेंगे आराम से आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए सब कुछ सीखेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा और समय के लिए पेशेंस रखो आप

बी में बाई ए बाई सी बाई ए बाई सी बी में बी में तो बी को बी में आप पाँच ए के नाम से तीन सी के नाम से कुल मिला देखो बी कितने से क्रेडिट हो गया है बी क्रेडिट हो गया है आठ हज़ार से ए और सी कितने से डेबिट हो गया है ए पाँच से और सी तीन से इस तरीके से एंट्री करोगे सीधी सीधी बात तुम्हें तो अगर तुम्हारा दिमाग में सेट कर दूँ तो बी को मिलेंगे आठ जिसमें से ए देगा पाँच सी देगा तीन तब ए पाँच देगा तो ए के यहाँ से पाँच कट जाएगा सी के यहाँ से तीन कट जाएगा कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है क्रेडिट का मतलब प्लस डेबिट का मतलब माइनस किसी का डेबिट कर, तो कर रहे हो आप माइनस कर रहे हो क्रेडिट कर रहे हो तो प्लस कर रहे हो ये बात समझ आ गई गुड की एंट्री वगैरह सब हो गई अच्छा अब आगे देखते हैं क्लास कुछ और चीजें जैसे एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए राम मोहन सोहन तीन पार्टनर्स है इनकी रेशियो है ट्वेल्व रेशियो एट रेशियो फाइव ऑन मोहन रिटायरमेंट गुडविल ऑफ़ द फॉर्म इज़ वैल्यू पचास हज़ार एंड हिज शेयर ऑफ़ गुडविल एडजस्ट बाई पासिंग है एंट्री आपने एंट्री पास कर दी पचास हज़ार है उसका सोलह हज़ार आ रहा होगा जो छोड़ के जा रहा है मोहन का तो राम का डेबिट हो गया छः हज़ार तो इन्होंने सब कुछ तो कर ही रखा है ठीक है अब आगे देखते हैं क्लास वैसे अगर आप हिस्सा निकालोगे ना कौन है मोहन मोहन का हिस्सा निकालना एट अपॉन्ट ट्वेंटी फाइव जरा पचास हज़ार का निकाल कर देखो क्या सोलह हज़ार ही आ रहा है इन्होंने एंट्री सही करी है पचास हज़ार का ही आ रहा है चलो अब गेनिंग रेशियो जो है इस क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो आएगी वो क्या आएगी सिक्स और टेन तो सिक्स और टेन को काट सकते हो थ्री रेशियो फाइव की गेनिंग रेशियो आ गई ठीक है द दिंग रिटायरमेंट ऑफ अपने आपने पास कर लिया ठीक है कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ऑन मोहन रिटायरमेंट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको इंडिविजुअल पार्टनर का गेन सेक्रीफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है चलो तो कर लेते हैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं गेनिंग रेशियो तो आ ही गया है हमारे पास तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान समझना बारह आठ पाँच यानी कि ट्वेल्व एट फाइव राम मोहन सोहन तो आप यहाँ लिखोगे राम मोहन सोहन ट्वेल्व एट फाइव ये नीचे आएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव, फाइव और ट्वेंटी फाइव ठीक है छोड़ के कौन जा रहा है क्लास मोहन तो मोहन रिटायर हो गया है एट अपॉन ट्वेंटी फाइव तो मोहन अपना हिस्सा देके जा रहा है राम और सोहन को मैंने कहा था कि गेनिंग रेशियो यही होता है थ्री रेशियो फाइव जिसमें वो देके जा रहा है थ्री रेशियो फाइव मतलब क्या होता है थ्री बाई एट और फाइव बाई एट ठीक है थ्री रेशियो फाइव थ्री रेशियो फाइव ही गेनिंग रेशियो है पाँच प्लस तीन आठ है थ्री बाई एट और फाइव बाई एट तो जो भी हिस्सा है क्लास एट पॉइंट ट्वेंटी फाइव उसका थ्री बाई एट और एट ऑफ ट्वेंटी फाइव का फाइव अच्छी बात यह है कि एट एट से कैंसिल हो जाएगा राइट तो ये होगा थ्री ऑफ ट्वेंटी फाइव ये होगा फाइव अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव राम का था कितना पहले ट्वेल्व अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव एस का था कितना क्लास फाइव अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव कितना ऐड कर दोगे थ्री अपॉइंट ट्वेंटी फाइव और ये फाइव अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव तो इसका एल्शियम कितना आएगा पंद्रह अपॉइन्ट पच्चीस है ना बारह प्लस तीन पंद्रह नीचे पच्चीस ही है इसका एल्शियम पच्चीस आएगा फाइव प्लस फाइव टेन तो फिफ्टीन रेशियो टेन निकल कर आता है हमारा न्यू रेशियो फिफ्टीन रेशियो टेन मतलब फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव टू जा टेन तो हमारा जो न्यू रेशियो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है क्लास थ्री बाई फाइव और टू बाई फाइव तो तुम्हारे पास न्यू रेशियो है और तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो भी है तो इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस अगर तुम्हें निकालना हो तो तुम गेनिंग रेशियो ही निकाल दो ना सिंपल तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो वो तो मुझे पता ही है कि कौन इंडिविजुअली कौन कितना गेन सेक्रीफाइस कर रहा है जब गेनिंग रेशो थ्री रेशियो फाइव है तो इतना ही गेंद सेक्रीफाइस हैं बट आप निकाल के भी देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव है ओल्ड और फाइव बाई ट्वेंटी फाइव तीनों का निकाल लेते हैं काम करते हैं तीनों का निकाल लेते हैं राम मोहन सोहन ठीक है तो ये ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फाइव एट अपॉन ट्वेंटी फाइव और फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव राइट अच्छा अब देखते हैं जरा न्यू ओल्ड ये तो क्लास आपका ओल्ड हो गया ना हम्म mm ओल्ड -hmm. हमने गलत लिख दिया न्यू में से ओल्ड घटाना था तो न्यू हम अभी देख लेंगे ओल्ड है ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फाइव था इसका इसका है एट अपॉन ट्वेंटी फाइव इसका है फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव अब देखते हैं क्लास यहाँ पे न्यू कितना है न्यू जो है वो थ्री रेशियो टू है वो भी किस किस का है क्लास राम और सोहन का राइट right? राम का थ्री बाई फाइव सोहन का टू बाई फाइव न्यू में इसका तो कुछ है ही नहीं बात समझना न्यू में इसका तो कुछ है ही नहीं ना ये तो कुछ मतलब कि ये तो जा रहा है छोड़ के इसका तो नए में कुछ नहीं होगा तो पाँच और पच्चीस का एल्सियम कितना आएगा पच्चीस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री जाए फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो ये गेन कर रहा है राइट इसका आएगा जीरो में से घटाओगे तो ये माइनस का एट अपॉइंट ट्वेंटी फाइव ये सेक्रीफाइस कर रहा है जिसी दी सी बात है अगर गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया तो वो सेक्रीफाइस ही करेगा और जो छोड़ के जा रहा है वो थोड़ी गेन करेगा वो तो छोड़ के जा रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा रिमेनिंग पार्टनर जो है वो गेन करेंगे तो यहाँ पर ऐल से पच्चीस है फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव फाइव टू जै टेन टो टेन माइनस फाइव आएगा फाइव अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव तो ये आपका गेन आ गया ठीक है तो अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड आप चेक कर लो क्लास पहले भी हमारा ये आ रहा था ना ही आ रहा था क्या गेनिंग रेशियो थ्री रेशो फाइव आ रहा था यहाँ भी थ्री रेशियो फाइव है सही है इसका मतलब तो आप देखो इंडिविजुअली आर गेन गेनिंग रेशियो पूछा था इंडिविजुअली गेन तो आपने एक स्टेटमेंट बना के तीन नंबर तो आप इंडिविजुअली गेंद सेक्रीफाइस हो बट गुडविल का स्टेप ध्यान रखना पहले पूरे फर्म की गुडविल को निकालोगे जो छोड़ के जा रहा है उसके विल को निकालोगे गेनिंग रेशियो निकालोगे और एंट्री पास कर दोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग अच्छा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्लास कई बार क्या होता है कि पार्टनर का सब कुछ मिला के डेढ़ लाख हो रहा है बट पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर से एक अस्सी देने को तैयार है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर उसको वो उसके हिस्से की गुडविल ही है तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या है क्लास वो उसके हिस्से की गुडविल है ये बात ध्यान रखना राइट और अगर तुम्हारा गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा उस सिचुएशन में तो मैं वो भी सिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे ए बी सी तीन पार्टनर रेशो वन टू थ्री वन बाई सिक्स थ्री टू बाई सिक्स और थ्री बाई सिक्स सी रिटायर हो गया हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट रिजर्व प्रॉफिट रीवैल्यूशन सब कुछ के बाद एक बीस बन रहा है और ए और बी उसे डेढ़ लाख देने को तैयार है भैया जब उसका एक बीस बन रहा है जब उसका एक बीस बन रहा है सी का तो उसे वो डेढ़ लाख देने को तैयार हैं यानी कि जो थर्टी थाउजेंड अमाउंट है थर्टी थाउजेंड अमाउंट उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम हिडन गडबिल ये सी का हिडन गडविल है और आपको एंट्री पास करने न्यू रेशियो वन रेशियो थ्री दे रखा है तो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता तो new, four, है न्यू माइनस ओल्ड तो न्यू वन बाई फोर और थ्री बाई फोर है ओल्ड कितना है क्लास कौन छोड़ के चला गया सी चला गया सी चला गया तो बचे कौन ए और बी थ्री प्लस वन फोर प्लस टू सिक्स तो वन बाई सिक्स और टू बाई सिक्स वन बाई सिक्स और

रिटायरिंग तो रिमेनिंग बचा कौन कौन है क्लास सी के जाने के बाद सी के जाने के बाद ए और बी बचा तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी भैया सी को चाहिए तीस हजार है ना सी को तीस हजार ही चाहिए नरेशन लिख देना फॉर्मेट बना के करना इसको मतलब आप एग्जामिनेशन में फॉर्मेट बनाना फिर करना ठीक है तो क्या एंट्री करोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग और किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में वो क्या है यानी और तो छह से थर्टी थाउजेंड को सिक्स से डिवाइड दो फाइव तो यह फाइव थाउजेंड ट्वेंटी गुडविल अपना रेशन क्या लिखोगे बींग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बींग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल सॉरी करो क्लास फटाफट लिखो इसको डन आई बात समझ क्लास कैसे करना है इसको तो हिडन गुडविल अगर हो गया वो भी हो जाएगा आपसे अच्छा अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव आ जाए तो मे भी क्लास यही क्वेश्चन होगा देख लेते हैं पी क्यू आर और एस एस रिटायर हो रहा है तो पी क्यू आर का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं क्वेश्चन है न्यू माइनस ओल्ड तो न्यू है फोर बाई टेन थ्री बाई टेन थ्री, थ्री दिखा आपको ये रहा न्यू रेशियो राइट ओल्ड आपको ऊपर दे रखा है फाइव प्लस थ्री एट प्लस टू फाइव बाई टेन न्यू माइनस ओल्ड फाइव बाई टेन ऐस जा रहा है ना फाइव बाई टेन थ्री बाई टेन और वन बाई टेन तो फाइव में से फोर जाएगा तो माइनस वन बाई अगर गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया इसका मतलब तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ये गेन नॉर है और ये थ्री में से गया टू। ये आपका गेन कर रहा है तो यानी कि आर टू बाई टेन से गेन कर रहा है और पी जो है वो वन बाई टेन सेक्रीफाइस कर रहा है तो यार गेनिंग रेशियो माइनस में आ गए यहां पे तो अब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे राइट तो सबसे पहले देखते हैं पूरे फर्म की कितनी गुडविल है गुडविल ऑफ द फर्म अच्छा पूरे फर्म की गुडविल चार लाख बीस हजार है तो एस का शेयर कितना होगा पहले वो निकाल लो पूरे फर्म की गुडविल आ गई है एस का शेयर कितना होगा चार लाख बीस हजार का चार लाख बीस हजार का एस का हिस्सा कितना है क्लास वन बाई टेन है राइट वन बाई टेन तो चार लाख बीस हजार का वन बाई टेन करोगे तो कितना क्लास आएगा फोर्टी टू थाउजेंड फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड है उसका वन बाई टेन करोगे तो आएगा कितना फोर्टी टू थाउजेंड अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना हम नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग एस को मिलेगा बयालीस हजार इतना ही करते हैं ना और हम इस बयालीस हजार को इस फोर्टी टू थाउजेंड को पी क्यू आर में गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा पहला चेंज क्या का तो नाम आएगा ही नहीं क्यों क्योंकि क्लास का गेनिंग रेशियो जीरो, है। तो जब उसका जीरो है, उसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है क्लस क्योंकि उसके तो जीरो है तो वहां पे जीरो आएगा अमाउंट तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कोई और जिसका नेगेटिव आ रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो पी को ऊपर से उठा के नीचे लिया और ध्यान समझना जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसके साइड को चेंज कर दो जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो उसको ऊपर से नीचे की तरफ ले आओ राइट तो टू पीस अकाउंट कर दो आप अब मुझे बताओ आपका पी का हिस्सा कितना है क्लास वन बाई टेन आर का है टू बाई टेन आपको रेशियो नहीं बनाना वन रेशियो टू का रेशियो तब बनता जब दोनों प्लस में होता माइनस प्लस का रेशियो नहीं बनेगा ओके तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फॉर्म की गुडविल से तो सबसे पहला काम देखना तीन स्टेप में मैं काम कर रहा हूँ ये आएगा 84 ये आएगा 42 पहला स्टेप क्या है क्लास जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को चेंज करो सबसे पहला काम जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को चेंज करो मल्टीप्लाई करो पूरे फर्म की गुडविल से और पूरे शेयर ही लेना है इसमें पूरे फॉर्म का शेयर लेना इसमें रेशियो मत बनाना क्योंकि प्लस माइनस का रेशियो नहीं बनेगा तो ये बात भी ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अच्छा क्वेश्चन क्या है कि जो रिमेनिंग पार्ट जो रिटायरिंग पार्टनर है आर अपना हिस्सा बेच के जा रहा है पी और एस को पचास और चालीस में तो भैया ये वही एंट्री गुडविल की ही होती है पी एस टू आर पी एस टू आर तो आर को मिलेगा नब्बे पी देगा पचास हज़ार और ये देगा चालीस हज़ार तो ये आप ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चन एक ही चीज है एक ही बात है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बस क्वेश्चन का ओके तो आप इस चीज को ध्यान रखना इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो सेल करने के लिए बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर जो है अपना हिस्सा सेल कर रहा है रिटायरिंग सॉरी रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा रिमेनिंग को सेल कर रहा है तो सेल करने का मतलब ही वही होता है वो गुडविल की ही एंट्री हो रही है तो एंट्री होगी पी एस टू आर अच्छा अब कुछ बांटने वाले आइटम है थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं फिर डब्ल्यू सी आर आई फायर की बात करेंगे फिर हम बात करेंगे रीवैल्यूशन अकाउंट की और फिर हम क्लास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे पार्टनर्स के अपला अकाउंट कैसे बनता है उसकी बात करेंगे और आराम से खत्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आज आज के अंदर ही कल आपने एन पी ओ ईमानदारी से खत्म कर लिया नहीं किया तो उसे भी आज करना है और इसे भी आज करना है काम डबल हो गया आपके लिए राइट जितना इकट्ठा करोगे तो डबल होगा पेपर है दो तीन दिन में तो आप अब काम नहीं करोगे तो कब करोगे रिटायरमेंट में बैलेंस शीट में इधर जर्नलिज्म हो सकता है प्रॉफिट लॉस होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आई एफ आर हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन चार में से लाल असर साइड तीन चीज़ें होती हैं क्लास एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगी एक आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और एक होता है पेन का डेबिट बैलेंस ये लॉस है और ये क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है अब क्या हुआ क्लास इन चारों में से कोई भी आइटम एक हो दो हो तीन हो या चारों के चार इन चारों में से कोई भी आइटम अगर आपको दे रखा हो इन चारों में से कोई भी एक दो तीन चार आइटम आपको दे रखा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बट जाएगा किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में इस पूरे रिटायरमेंट चैप्टर में लिखते जाना अपनी कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको इस पूरे रिटायरमेंट चैप्टर में एक ही चीज़ गेनिंग रेशियो में होती है वो है गुडविल वो भी जो एडिशन पॉइंट में इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई भी चीज़ बढ़ती है कुछ भी होता है सब ओल्ड में रीवेल्यूशन का गेन लॉस वो भी ओल्ड रेशियो में हर चीज़ बांटने वाली ओल्ड रेशियो में बस एक गुडविल की ही एंट्री है जो कि गेनिंग रेशियो में आप करते हो राइट तो इन चारों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट साइड बांट देना और इन तीनों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बांट देना किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में तो यानी कि ये तीनों चीज़ें डेबिट और ये चारों चीज़ें क्रेडिट क्योंकि आपको जनरल एंट्री भी पूछी जा सकती है तो आप एंट्री जी की करोगे जी डेबिट पी एंड एल डेबिट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राइट टू ऑल पार्टनर्स यानी सारे पुराने पार्टनर्स से बटेगा ओल्ड रेशियो में और इधर की जो चीज है उसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बटता कहीं भी ध्यान रखना ये भी ओल्ड रेशियो में बट जाएगा तो इस तरीके से क्लास आप राइट ऑफ की जितनी भी चीजें हैं ये साथ के साथ आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ठीक है किस साइड क्लास अपोजिट साइड अच्छा ये तो आपको बांटने वाला आइटम का हो गया अब डब्ल्यू सी आर और आई एफ आर का ट्रीटमेंट भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं जो जो चीज़ें मैक्सिमम आपको पूछी जा सकती है मैं वही बताऊंगा आपको डब्ल्यू सी आर आई एफ आर के बारे में देखो यहाँ पे आराम से समझते हैं क्योंकि ये भी बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है बच्चे बोलते हैं सर करा दो इसको कोशिश करूँगा बिफोर एग्जाम मॉर्निंग में एक बार आपको रिविजन करा दूँ बट फिर भी अभी ही समझ आ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेटा वर्कर का कल को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए कोई फिजिकल डैमेज ना पहुंच जाए हमारे बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर मतलब हमारे ऑफिस प्रेमिस के अंदर अगर किसी वर्कर का कोई भी नुकसान होता है तो एथिकली लीगली सोशली हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका इलाज कराएं उसको ठीक करें उसके लिए अचानक से पैसा कहाँ से आएगा इसलिए पहले से एक अमाउंट जोड़ के रखते हैं एक फंड बना के रखते हैं रिजर्व बना के रखते हैं जिसका नाम होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अब अगर साल के एंड तक अच्छी से कृपा है भगवान की कोई किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ तो सारा का सारा डब्ल्यू क्या करेंगे हम लोग बांट देंगे लेकिन अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा तो सबसे पहले मैं आपको केस वन की बात करूं मैं यहीं पे केसेस सारे चेंज करूंगा केस वन में बैलेंस शीट में डब्ल्यू सी आर है मान लेते हैं दस हज़ार का और दो पार्टनर है इस क्वेश्चन में ए और अच्छा तीन पार्टनर ले लो क्योंकि रिटायरमेंट है तो तीन ही होंगे तो इसको ना फिर दस की जगह आप अमाउंट थोड़ा चेंज कर लो इसको पंद्रह हज़ार ले लो राइट और तीनों की रेशियो वन रेशियो वन है बी जो है वो रिटायर हो रहा है बी छोड़ के जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है क्लास। WCR, में बढ़ता है क्लास ओल्ड बढ़ता तो कोई कोई छोड़ के जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं राइट अब नीचे क्लेम कुछ भी नहीं है नीचे क्लेम कुछ भी नहीं है वर्कर का कोई दावा नहीं है कोई नुकसान नहीं हुआ तो पूरा का पूरा ये पंद्रह हजार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाएगा सबसे पहली बात ध्यान समझना इसी एक केस के अंदर सब सिखा दूंगा राइट तो पंद्रह हजार है नीचे कुछ नहीं है पंद्रह हजार पार्टनर्सोजिट साइड बढ़ जाएगा अभी बताया था सारी सारी पांच हजार ही बटेगा पार्टनर्स अकाउंट में अब। कितना बटेगा पांच हजार वो भी ओल्ड रेशियो में और ये जो दस हजार है ये चला जाता है न्यू बैलेंस शीट में किस साइड क्लास लाइबिलिटी साइड ये जो टेन थाउजेंड है वो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइबिलिटी साइड अगर यहाँ पंद्रह है और नीचे भी पंद्रह है तो ये जो पंद्रह हजार है ये तो चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट के अंदर लेकिन अब पार्टनर्स में कुछ बांट सकते हो अब कहानी की तरह इसे याद करो है ना मेमोराइजेशन करो यहां पे देखो वर्कर के लिए जोड़ा है पंद्रह हजार रुपए नुकसान भी पंद्रह हजार का हो गया तो भाई सारे नुकसान की भरपाई करोगे ना वो पार्टनर्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस आप में खुद सोचो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अगर पंद्रह है यहां दस है तो पांच बांट सकते हैं पंद्रह है आठ है सात बांट सकते हैं पंद्रह पंद्रह तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अब आपने वर्कर के लिए जोड़ा पंद्रह है नुकसान हो गया बीस का अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्योंकि नुकसान ज्यादा हो गया तो हमें घाटा हो गया अगर ऊपर डब्ल्यूसी मान लो नहीं होता ऊपर वर्कर के लिए कुछ पैसे नहीं जोड़े आपने सोचा यार कोई नुकसान नहीं होगा नुकसान बीस का हो गया तो तुम्हें पूरा बीस हजार जेब से भरना पड़ेगा लेकिन अगर तुमने जोड़ा था पहले से पंद्रह और नुकसान बीस का हो गया तो अब तुम्हें जो नुकसान होगा रिवेल्यूशन में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम वो सिर्फ और सिर्फ पांच हजार होगा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा आता है ना केस का वो यही है कि ऊपर दस है नीचे छह है तो चार हजार कैप में बढ़ जाएगा छह हजार नहीं बैलेंस शीट में और सबसे टफ यही है ऊपर छह ऊपर दस नीचे बारह तो दो हजार रुपये एक्स्ट्रा जो हुआ है वो रीवैल्युएशन में डेबिट साइड चला जाएगा कई बच्चे बोलते हैं क्या रिवेल्युएशन में कभी क्लेम क्रेडिट साइड आ सकता है नॉट पॉसिबल क्लेम या तो होगा या नहीं होगा है कि नहीं होगा या नहीं होगा माइनस में कैसे हो सकता है इसलिए इधर कभी नहीं आएगा फायदा कभी नहीं बनेगा ये क्योंकि जो भी तुम्हारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तुमने जोड़ा है वो पार्टनर से बढ़ जाता है तो रीवैल्युएशन में एक ही केस में आएगा डेबिट साइड जब क्लेम ज्यादा हो और नीचे जितना भी क्लेम लिखा लिखा रहता है वो हमेशा नई बैलेंस शीट में चला जाता है अच्छा अगर ऊपर कुछ भी नहीं है नीचे 20 का क्लेम हुआ फिर तो ये 20 तो नई बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा जो भी एडिशन पॉइंट में लिखा है वो तो नई बैलेंस शीट में जाता ही जाता है लेकिन अब देखो तो तुम्हें नुकसान पूरा 20 का हो गया ना तुम्हें पाँच का नुकसान नहीं हुआ फिर तुम्हें पूरा का पूरा बीस हज़ार का नुकसान हो गया इस तरीके से तुम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हो बहुत ही सिंपल है तुम देखना कि अगर नीचे कुछ नहीं है सारा बांट दो और अगर वालों नीचे है ऊपर कुछ नहीं है तो सारा का सारा नुकसान रीवैल्यूशन में डेबिट साइड बाकी कंपेयर करना अगर कम है अगर मान लो रिजर्व आपने कम बना रखा है तो नुकसान हो गया रिवैल्यूशन में डेबिट रिजर्व ज्यादा बना रखा है तो फायदा है तो पार्टनर्स के अपने अकाउंट में क्रेडिट आएगा रीवैल्यूशन में नहीं दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड देखो ये तभी होगा जब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट होगा खुद ही लॉजिकली सोचो हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट से कल को हमें डर लग रहा है कि इसकी वैल्यू कहीं कम ना हो जाए जिस चीज़ के लिए हम लोग आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रहे हैं तो अगर ये वैल्यू कम नहीं हुई है ना तो सारा का सारा आई बढ़ जाएगा तो ये पाँच मान लो एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से ध्यान सुनो एडिशनल पॉइंट में नो इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिखा है तो ये बटने वाला आइटम है पूरा का पूरा ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में जब मैं ओल्ड रेशियो बोलता हूं तो इसका यही मतलब है कि सारे पार्टनर्स क्यों ओल्ड रेशियो तीनों की होती है तो तीन ही तो पार्टनर होते हैं इसमें सब में ही तो जाएगा ओल्ड रेशियो तो सबका होता है तो सब में बटेगा ये बोलने की जरूरत नहीं है ओल्ड रेशियो बोल दिया वही काफी है ओल्ड रेशो में बटेगा मतलब ओल्ड रेशियो तीनों की है तीनों में बटेगा राइट तो ये आई पूरा बढ़ जाएगा अच्छा अगर एडिशन इंफॉर्मेशन में ये आ जाए कि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो साठ हो गया इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू सिक्सटी या इंक्रीज बाई टेन बात बराबर है इंक्रीज टू सिक्सटी इंक्रीज टू सिक्सटी टू सिक्सटी सिक्सटी तक बढ़ गया या बाई टेन यानी कि इसका मतलब पचास था दस से बढ़ गया हो गया तो ये आई एफ आर का तो कोई यूज हुआ ही नहीं आई एफ आर क्यों बनाते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो यूज करेंगे यहां तो इन्वेस्टमेंट कम हुई नहीं है तो पूरा का पूरा जो आई एफ आर है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड बढ़ जाएगा बाई आई एफ आर ओल्ड रेशियो और इन्वेस्टमेंट नई बैलेंस शीट में सार्ट किया जाएगी अब तो कुल मिला के अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो तुम्हें आई एफ आर की ज़रूरत पड़ेगी अदरवाइज आई एफ आर सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा ठीक है कई बार यहाँ पे नीचे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई टेन की जगह एक मार्केट वैल्यू लिख देता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू साठ हो गई तो भी वो एक ही बात है कई बार वो मार्केट वैल्यू एडिशन की जगह यहाँ लिख देता है तो भी वो एक ही बात है यहाँ पर लिख रहा है तो समझ लो वो एडिशन पॉइंट ही है अच्छा अगर मैं लिख दूँ इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस रिड्यूस टू फिफ्टी फोर थाउजेंड इन्वेस्टमेंट नहीं रिड्यूस टू फोर्टी uh, एट ले लो रिड्यूस टू फोर्टी एट इन्वेस्टमेंट फोर्टी एट थाउजेंड तक कम हुआ तो कम कितने से हुआ दो हजार से अगर ये आई एफ आर नहीं होता तो हमारा दो हजार का नुकसान होता रिवैल्यूशन में डेबिट साइड बट इस केस में आई एफ आर है तो हमारा दो हजार का नुकसान इसी से सेट ऑफ हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो बटेगा वो कितना बढ़ जाएगा तीन हजार बात समझ आई वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूरा का पूरा पांच हजार डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूरा का पूरा पांच हजार हमें बांट देना है पूरा फाइव थाउजेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है राइट लेकिन इस केस में जो 2000 का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट पे वो दो काट के अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 3000 बटेगा ओल्ड रेशियो में और 2000 का नुकसान हो गया नई बैलेंस शीट में वही दिखेगा जो एडिशन पॉइंट में भी आज तुम्हारे इन्वेस्टमेंट अड़तालीस की है तो नई बैलेंस शीट में अड़तालीस दिखेगा लेकिन जो दो का नुकसान हुआ वो रीवेल्यूशन में नहीं गया क्योंकि वो इसी में से एडजस्ट करके बाकी तीन जो है वो पार्टनर्स में बांट दिया अगर ये फोर्टी की जगह फोर्टी हो जाता तो तीन हजार में से माइनस करके दो हजार ही पार्टनर्स में बांटते और अगर ये घट के हो जाए, तो नई बैलेंस शीट में तो फोर्टी फाइव ही दिखेगा जो भी है लेकिन अब आई पूरा खत्म हो गया तो अब पार्टनर्स अकाउंट में कुछ भी नहीं बटेगा अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं बटेगा और अगर आई एफ आर पांच इन्वेस्टमेंट पचास है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट के बयालीस हजार हो गई फोर्टी टू थाउजेंड हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने के बाद तो कम कितने से हुआ है मुझे बताओ कम हुआ है आठ हजार से कम कितने से हुआ है क्लास आठ हजार से कम हुआ है हजार के लिए आपने पहले से प्रोविजन बना रखा है तो तीन हजार रुपए अब रिवेल्यूशन अकाउंट में किस साइड जाएगा डेबिट साइड बढ़ेगा तो रिवेल्यूशन में क्रेडिट साइड जाएगा घटेगा तो डेबिट साइड तो लेकिन यहां पे आई आपने पांच बना रखा है आठ से नुकसान हुआ है तो आप तीन हजार ही दिखाओगे टू इन्वेस्टमेंट ठीक है टू इन्वेस्टमेंट तीन हजार आई होप क्लास आई एफ आर के मैक्सिमम केसेस यही थे जो क्लास मैंने आपको सारे के सारे बता दिए अगर आई नहीं होता तो ये आठ का नुकसान यहां दिखाते नहीं बैलेंस शीट में एडिशन पॉइंट में जो लिखा रहता है हमेशा वही आता है लेकिन यहां पे क्वेश्चन कह रहा है आई पहले से तीन है पांच है तो पांच सेट ऑफ करके तीन दिखाओगे ये सेम टू सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला भी केस हो गया जैसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का होता है ना वैसे ही मैं तुम्हें आगे वो भी बताऊंगा सब कुछ हम कवर करेंगे आज बस आप सबसे रिक्वेस्ट है मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना वहां पर आपकी हैबिट हो जाएगी सारी की सारी और अभी से एक एक करके लगाना स्टार्ट करो उसको राइट अभी से गलती पता चलेगी चैप्टर सीख तो उस गलती को बाद में सुधार लेना बट किसी भी कीमत पर तुम्हें काम करना है टेस्ट पे। चलो चलो का हो गया चलो, अब आगे देखें। अच्छा 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 ये ये भी अच्छा है है हाँ है। मैंने बुक से ही लिया है, बहुत एक्स अच्छा जेड तीन इनकी है थ्री बाई सिक्स, सिक्स वन बाई सिक्स जेड रिटायर हो रहा है एक अप्रैल 2021 को जेड रिटायरमेंट पे कुछ बैलेंस बुक्स में दे रखे हैं जनरल रिजर्व है इसे कंटिजेंसी रिजर्व भी बोलते हैं ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और डब्ल्यू सी आर चौबीस हज़ार का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बीस हज़ार का मैं तुम्हें थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो जी आर यहाँ पर आता है एक अस्सी पी एल का डेबिट बैलेंस बेटा यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट उल्टा होता है डेबिट बैलेंस इधर आता है सेट साइड डब्ल्यू सी आर कितना है क्लास चौबीस हज़ार और एम्प्लॉ प्रोविडेंट फंड कितना है बीस हजार बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बटता पार्टनर्स के अकाउंट में ये दो बटेगा और ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड आपको क्या करना है पास द ने एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दिस आइटम तो आपको एंट्री क्या पास करनी है तो ये दोनों तो उधर साइड बटेगा तो आप क्या कर सकते हो जी डेबिट डब्ल्यू डेबिट पार्टनर्स कौन कौन है टू एक्स टू वाई तो जी कितने का है वन ये हो गया ट्वेंटी दोनों को मिला के हो गया कितना दो लाख चार हजार और ओल्ड रेशियो में बढ़ता है तो ओल्ड रेशियो है थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स वन बाई सिक्स तो आप चार से डिवाइड दो वन एट्टी प्लस ट्वेंटी फोर आपका आ गया टू लाख फोर थाउजेंड आप छह से डिवाइड दो तो ये आ गया थर्टी फोर थाउजेंड तो जेड का आ गया थर्टी फोर सिक्सटी एट और वन लाख टू थाउजेंड राइट तो हो गया क्लास यहाँ पे इनकी एंट्री और इसकी एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल तीस हज़ार है छः से डिवाइड दोगे गए पाँच फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फाइव इंटू टू टेन फाइव इंटू वन फाइव किस रेशियो में बांटा है क्लास मुझे बताओ ओल्ड रेशियो में जो कि कितनी है थ्री रेशियो टू रेशियो वन तो जो बांटने वाला आइटम है ना उसकी भी एंट्री कह सकता है आपको डब्ल्यू सी आर का क्लेम भी दे सकता है

तो नुकसान अनरिकॉर्डेड असेट हमें नहीं पता था हमारे पास पहले कंप्यूटर था फर्नीचर था हमें हमें नहीं पता था हम भूल गए थे अब पता चला तो खुशी होगी है ना अचानक से कोई भूले हुआ सेट याद आता है तो खुशी होती है फायदा है और अचानक से कोई लैब्रिटी मिल जाए तो ये हमारे लिए नुकसान है क्रेडिट साइड को जोड़ोगे डेबिट साइड घटाओगे तो यहाँ पर गेन आ जाएगा ध्यान रखना सारा फ़ायदा बस आप इतना बिल्डिंग के लिए बढ़ रही है मशीन के लिए बढ़ रही सब फायदा यहाँ पे सारे नुकसान यहाँ पे यहाँ जो आएगा रिवॉल्यूशन का गेन आएगा अगर ये साइड है तो रिवॉल्यूशन का लॉस आएगा और ये लॉस पार्टनर्स के करंट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा तो करंट फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड भेज देते हो ओके okay. अगर तुम्हें मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की तो मैं तुम्हें बताता हूं क्लास की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्मेट आप सबको पता होगा फॉर्मेट में कोई उसमें टेंशन नहीं है आपको फॉर्मेट तो आप जानते ही हो बस आप कुछ बातों का ध्यान रखना री आपको मैं बताता हूँ क्लास यहाँ सुनो मेरी बात तुम्हें रीवेलुएशन अकाउंट आता है बहुत शुरू से बना रहे हो हाँ सर आता है तुम्हें गुडविल की एंट्री आती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री हाँ सर गेनिंग रेशियो में आती है हमको ठीक है तुम्हें डिस्ट्रीबल आइटम के नाम पता है गुडविल चेंज इन सॉरी गुडविल हो गया पी एंड एल हो गया उसके अलावा सस्पेंस हो गया जी आर पी एंडलू सी आर आई एफ आर पता है अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता है ना तो हो गया तुम्हारा कैपिटल अकाउंट गारंटी से तुम्हारा ये क्वेश्चन पक्का जाएगा फाइव मार्क्स का तुम्हें तीनों चीजें पता है तो लाइक like, अब आप सर बोलोग्यूशन की किसी किसी पॉइंट में बस गलती हो जाती है तो बेटा उसको मैं सिखा दूंगा यहाँ पे टेंशन ना लो अब इधर आओ सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में तुम ओपनिंग बैलेंस लिखते हो बैलेंस शीट से तुम्हें मिल जाएगा तीनों का ओपनिंग बैलेंस राइट इसके अलावा तुमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया होगा अगर उसका गेन है तो अपोजिट साइड यहां लिख दोगे तीनों में अगर उसका लॉस है तो आप यहां लिख दोगे एक पॉइंट और आता है पेपर में कि कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है या कोई पार्टनर किसी भी एसेट को ले जा रहा है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट ध्यान रखना कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट तो इसीलिए मैंने यहां पे टू इन्वेस्टमेंट टू असैट लिख दिया बट फॉर्मेट में नहीं वो क्वेश्चन में होगा तभी आप करना राइट इसके अलावा बांटने वाले आइटम कौन कौन से जी आर इधर बटेगा पिन इधर बटेगा डब्ल्यूसीआर इधर बटेगा आई एफ आर इधर, इधर, इधर बटेगा और इधर क्या क्या बढ़ता है क्लास टू गुडविल हो गया ठीक है चाहे वो पी एंड एल हो गया टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया बात आई समझ डन ये हो गया सारा का सारा आप ऊपर हेडिंग डालोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आएगा क्रेडिट और ये आएगा डेबिट डन अब गुडविल की एंट्री क्या होती है मान लो बी छोड़ के जा रहा है तो ए सी में टू बी बी में आएगा बाई ए बाई सी खत्म हो गया सारा का सारा अब सुनो जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसे अगर कुछ पैसे दे दिए तो लिख देना टू कैश और बाकी जो भी उसका बैलेंस है टू बीज लोन अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट पे कितना ब्याज जाता है सिक्स परसेंट पर एनम और जो बाकी दोनों पार्टनर बचेंगे उनका बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी क्या आएगा टू बैलेंस सी ये होता है हिसाब किताब तो रिमेनिंग Uh, ध्यान रखना गुडविल की एंट्री आपको आ गई रिमेनिंग टू रिटायरिंग रिवेल्यूशन का गेन और लॉस आपको आ गया है आपको बांटने वाले आइटम्स की एंट्री सारी की सारी पता है बस खत्म और कुछ नहीं बचा इसके अलावा इतना अगर आपने कर लिया तो आपका क्या अकाउंट हो गया इतनी चीजें आती हैं मैंने ये भी बता दिया कोई एसेट टेक ओवर करेगा पार्टनर तो कैसे करेंगे अच्छा एक पॉइंट बहुत ही कॉमन आता है क्लास मान लो आता है इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक है एटीन थाउजेंड का ठीक है और नीचे लिखा है स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड फाउंड कम पाया गया अगर लिखा रहेगा फाउंड अंडर वैल्यू बाई दो हजार दो हजार रुपए से कम पाया गया तो क्या करोगे मुझे बताओ 2000 दो हजार बढ़ा दोगे रीवैल्यूशन में किधर आ जाएगा क्रेडिट साइड स्टॉक दो हजार से कम पाया गया तो बढ़ा दो दो हजार रुपए रीवैल्यूशन में क्रेडिट साइड लेकिन समस्या यहां नहीं है स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई टेन परसेंट परसेंटेज में दे दिया तो दिक्कत है अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखा रखा था बढ़ाना और ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा दिखा रखा था कम करना लेकिन यहाँ पे कम दिखा रखा है दस परसेंट से तो यानी कि ऊपर जो स्टॉक है वो बस नाइन्टी परसेंट है ऊपर का जो स्टॉक है वो कितना है नाइन्टी परसेंट तो तुम्हें वो दस परसेंट कैसे निकालना है तुम्हें बढ़ाना है इसको तुम्हें इसको अंडर वैल्यूड है तो रिवैल्यूशन में क्रेड भेजना है बट कितना मेजर बच्चे अठारह भेज देते हैं जो कि गलत है अठारह अगर कम है यानी कि 90% परसेंट है तो 100% परसेंट आएगा बीस हज़ार यानी असली वैल्यू बीस हज़ार है इन्होंने बीस हज़ार का 10% परसेंट दो हज़ार से कम करके 18,000 हज़ार दिखा रखा है नई बैलेंस शीट में आएगा बीस हज़ार और क्लास असली वैल्यू जो है वो बीस हज़ार की है और इन्होंने दस परसेंट से कम कर रखा है दस परसेंट से बढ़ा देंगे दो हज़ार से बढ़ा देंगे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सर देखो ये अट्ठारह हज़ार है ये नाइन्टी परसेंट है तो टेन परसेंट निकाल लो तो अब आप ऐसे निकालोगे तो सीधा दो हज़ार आ जाएगा उसमें मैंने हंड्रेड परसेंट वैल्यू निकाल ली इसमें बच्चे ने सिर्फ वो दस परसेंट निकाल दिया बात बराबर है तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अंडर वैल्यूड बाई दस परसेंट है तो ये फिगर सिर्फ नाइन्टी परसेंट है डिवाइड बाई नाइन्टी इंटू हंड्रेड आपको असली वैल्यू पर चल जाएगी और लिखा रहेगा ओवर वैल्यूड बाई टेन परसेंट तो ये फिगर एक सौ दस है तो आप अठारह हज़ार को एक सौ दस से डिवाइड दे के इंटू हंड्रेड करोगे तो आपको असली वैल्यू पर चलेगी कितनी है तो ये पॉइंट बहुत कॉमन है जो आपसे पूछ लिया जाता है इसके अलावा लिख लेना वीडियो पॉज करके इसके अलावा एक पॉइंट और भी आता है बहुत ज्यादा कॉमन है डेटर्स लिखा हुआ मान लो पचास हजार ठीक है और यहां पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तीन हजार ये आ गया सैतालीस ठीक है ये कॉमन पॉइंट है अब एडिशनल पॉइंट में लिखा है बैड डेट पांच हजार ध्यान सुनो पांच हजार रुपए डूब गया तो भाई तीन का तो पहले से प्रोविजन बना के चले हो और दो हजार रुपए जो है वो और रिवेल्यूशन में डेबिट साइड डाल देना क्योंकि नुकसान पांच का हो गया अगर तुम्हें बैड डेट में दिक्कत है ना तो यूट्यूब पर सर्च करो ट्रीटमेंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट बाई सुनील पांडा तो आपको एक वीडियो मिलेगी मेरी पुरानी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे केसेस अच्छे समझा रखे हैं कि केसेस जो मैक्सिमम हो सकते हैं बोर्ड पे ही अच्छे समझा रखा है राइट तो यहाँ पे डूबा पाँच हजार रुपये प्रोविजन आपने तीन का बनाया था नुकसान हुआ दो हजार का और अगर मैं बोलूँ कि डूबा सिर्फ एक हजार रुपये मान लो बैड डेट जो हजार का है तो आपने प्रोविजन कितने का बनाया था तीन का आप सोच Christmas, रहे थे तीन डूबेगा लेकिन डूबा हजार हो गया दो हजार रुपए का तो नई बैलेंस हद से, हद, हद से हद तुम्हारे लिए क्वेश्चन में एक मैक्म और पॉइंट आ सकता है लिखा जा सकता है कि बैड डेट अमाउंट्स टू टू थाउजेंड बैड डेट्स टू थाउजेंड एंड टेन परसेंट प्रोविजन वो आपका हो गया टू थाउजेंड का तो ये पचास हजार है घटा देंगे टू थाउजेंड तो ये आ गया फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड का टेन परसेंट कितना बनेगा चार हजार आठ सौ तो ये आपकी नई बैलेंस शीट में जाएगी ये आपका नई बैलेंस शीट में फोर्टी एट थाउजेंड माइनस टेन परसेंट आएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तो तुम्हारा दो हजार का नुकसान ये तो छह हजार आठ सौ का नुकसान हो गया तुम्हारा राइट कितने का छह हजार आठ सौ का प्रोविजन तुमने सिर्फ तीन का बनाया था तो तुम्हें रीवैल्युएशन अकाउंट में डेबिट कर देना तीन हजार प्रोविजन कम बनाया था ना तो और बना दो घाटा है भाई प्रोविजन फॉर डॉफलेट नुकसान है रीवैल्यूशन डेबिट आएगा और प्रोविजन अगर तुमने ज्यादा बना रखा था तो कम कर दो तुम सोच रहे थे ज्यादा डूबेगा बट डूबा कम तो तुम्हारे लिए फायदा है तुम सोच रहे थे छह हजार डूबेंगे डूबे हजार का फायदा तुम सोच रहे थे पांच डूबेंगे डूबे छह तो हजार का नुकसान नुकसान रिवॉल्यूशन डेबिट साइड फायदा रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड ये चीज बाकी प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो भी एसेट साइड आता है आपको ये भी ध्यान रखना है कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है बता दिया अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यू सब कुछ हो चुका है टू और बाई का फर्क ध्यान रखना कि बिल्डिंग रिड्यूस बाई टेन थाउजेंड सिर्फ दस हजार से कम हो गया रिड्यूस टू टेन थाउजेंड तक कम हो गया तो देखना पहले कितने का था और दस तक कम हो गया जो डिफरेंस है वो आपका नुकसान होगा अब ये so, so, है क्लास एक क्वेश्चन क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं अच्छा क्वेश्चन है क्लास कोशिश करिए पॉइंट्स कवर करने की तो जरा बनाते हैं विजय विवेक और विनय तीन पार्टनर है टू बाई फाइव टू बाईव टू बाई फाइव टू बाई फाइव वन बाई फाइव और ये है क्लास इनकी पूरी बैलेंस शीट बांटने वाला मुझे यहाँ पे कोई भी आइटम दिखाई नहीं दे रहा हालांकि यहाँ जी आर पी एन एल डब्ल्यू सी आर होता तो अपोजिट साइड यहाँ होता तो इस साइड बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है ठीक है जी ऑन विवेक रिटायरमेंट ये जो पढ़ने वाला काम है ना ये क्वेश्चन में शुरू में जो रीडिंग टाइम मिलता है ना उसमें आपको पढ़ना होता है तसल्ली से बिल्कुल अकाउंट्स के एग्जामिनेशन में एक गलती एक गलती जो 90 परसेंट स्टूडेंट्स करते हैं हड़बड़ाहट में जल्दी में गलत करके आते हैं उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में आके बाहर बोला जाए भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा क्या होगा वो बता देते हैं अंदर दिक्कत हो जाती है उनको अंदर नहीं बता पाते क्यों क्योंकि अंदर एनजाइटी घबराहट दिमाग में दस चीजें चल रही होती हैं आप पेशेंसली चिल काम के अगर आप पेपर दे सकते हो तो फिर ही हो पाएगा आपका अच्छे से प्रेमिस अप्रिशिएट बाई फाइव परसेंट तो प्रेमिस जो है कितने का है प्रेमिस देखो यहां पे जगह होती है प्रेमिस यहां पे अमाउंट देखो शायद ये बनेगा कितना क्लास वन लाख नाइनटी फोर थाउजेंड का प्रेमिस है ठीक right? हाँ, है फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एटीन थाउजेंड एट थाउजेंड वन लाख नाइनटी फोर थाउजेंड राइट हाँ वन लाख नाइनटी फोर थाउजेंड है तो वन लाख नाइनटी फोर थाउजेंड का कितना है क्लास प्रेमिस एप्रिशिएट फाइव परसेंट से अप्रिशिएट हो गया मतलब नाइनटी सेवन हंड्रेड से फर्नीचर एप्रीशिएटेड बाय

प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम कितने का है क्लास बारह हजार का है लेकिन ये बढ़कर कितना हो गया बढ़कर ट्वेल्व थाउजेंड था फोर्टीन फोर तो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा नुकसान हो गया ना भाई लीगल क्लेम बढ़ गया जो हमारा दावा था लीगली हमें सोच रहे थे बारह हजार देना है हमें अब हमें चौबीस सौ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखिए जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे और गिनिंग रेशियो में एंट्री पास कर देंगे पचास हजार फ्रॉम वेक अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू तो हिज लोन एंड बैलेंस पेड टू पेड बाई चेक कहते हैं कि पचास हजार जो है उसका लोन में डाल दो और बाकी चेक से पेमेंट कर दो तुम्हें अकाउंट बनाना है पार्टनर्स के अकाउंट बनाना है विवेक रिटायरमेंट के बाद लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो की वन नहीं है तो विवेक जा रहा है छोड़ के विवेक का हटा दो तो टू रेशियो वन विवेक हटा दो गायब कर दो बीच से टू रेशियो वन जो आ रहा है क्लास यही आपका न्यू रेशियो है यही आपका गेनिंग रेशियो है तो ये है क्लास आपका क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस तो चलते हैं क्लास इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से बना लेते हैं और खत्म करते हैं डायमंड रिवीजन बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास की कैसा लगा आज का ये सेशन अच्छा लगा सीखने को मिला अच्छे से रिवीजन हो गया अगर आपका तो शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में यही टाइम है आपका पूरे साल की मेरी मेहनत जो है और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है यही टाइम है मेहनत करो चीजें ला के और प्यार और सपोर्ट जरूर बना रखना क्लास क्योंकि ये मेहनत कितनी हो रही है आपको दिख रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट चाहिए बस आपका ताकि अंदर की आग लगे रहे अब यहाँ ईको तक जाना है हमें खत्म नहीं है अकाउंट लास्ट नहीं है विजय विवेक और विनय विजय विवेक विनय रेशियो है टू बाई फाइव टू बाई फाइव और वन बाई फाइव राइट विवेक रिटायर हो रहा है तो विवेक छोड़ के जा रहा है तो विजय एंड विनय इनकी जो न्यू रेशियो है वो टू रेशियो वन है और यही इनकी गेनिंग रेशियो भी है, तुम्हें निकालने की कोई जरूरत नहीं है पूरे फॉर्म की जो गुडविल है तुम्हें रिटायरमेंट में पहले गुडविल का हिसाब किताब कर लेना भैया पूरे फॉर्म की गुडविल है फोर्टी एट थाउजेंड कितना है क्लास पूरे फॉर्म की गुडविल फोर्टी एट थाउजेंड जो छोड़कर जा रहा है पार्टनर वो है विवेक मैंने क्या कहा था पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी होगी जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकाल लो टू बाई फाइव तो फोर्टी एट थाउजेंड इंटू टू बाई फाइव आ गया नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड और इसकी एंट्री क्या होती है रिमेनिंग रिमेनिंग कौन कौन है विजय विनय टू विवेक तो विवेक को तो मिलेगा उन्नीस हजार दो सौ नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड और वन बाई थ्री करेंगे तो आएगा सिक्सटी फोर हंड्रेड ओके ये हो गई उल्टी एंट्री ये हमारी नॉर्मल एंट्री है बट हमको क्लास एंट्री पास नहीं करनी थी तो सब हमारे लिए वर्किंग नोट काम हो गया हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बना के करना अच्छे से कहीं भी मौका मत देना टीचर को ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी कि तुम फॉर्मेट यूज करते हो या फॉर्मेट यूज नहीं करते जो फॉर्मेट एग्जामिनर देगा आपको अगर तुम्हें फॉर्मेट यूज करने की आदत है तो फॉर्मेट बना लेना देखो लेजर में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीन तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे तो बेहतर है कि आप अपना खुद का बना लो और आपके स्कूल वालों ने प्रैक्टिस करा दी है फिर तो आप उस हिसाब से चलना तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई बहुत डिफरेंस नहीं आ जाएगा लाइन में तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो फैसिलिटी जो हमें मिल रही है हम उसका इस्तेमाल करें राइट तो ऐसा और हाँ कई बच्चे बोलते हैं सर क्या जो लाइन लिखी है उसमें लिखना कंपलसरी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पर्टिकुलर्स इवन क्लास कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा अकाउंट्स में लाइन खींची हुई आएंगी जर्नल में और लेज़र में कई बच्चों को नहीं पता रहेगा सब थोड़ी इंडिया बहुत बड़ा है बहुत रूरल एरिया में भी बच्चे रहते हैं जिनके पास बहुत अच्छे से एक्सेस नहीं है मोबाइल फ़ोन का सब थोड़ी ये क्लास हमसे जुड़े हुए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है नाइन नाएं, नाइन्टी बना लेते हैं तीनों का क्रेडिट डेबिट अगर अकाउंट्स में सवाल ही नहीं बनाओगे तो अकाउंट्स किस बात का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपको बनाना है पर्टिकुलर ठीक है कौन कौन पार्टनर से मुझे बताओ अपने अपने एग्जांपल में कौन कौन थे विवेक तो छोड़ के जा रहा था विजय विवेक और विनय विजय विवेक विनय विजय विवेक विनय विजय विवेक और विनय ओके तो हमने ये कर लिया क्लास सारा का सारा हम लोगों ने फॉर्मेट अच्छे से बना लिया अब हम गुडविल की पहले एंट्री की पोस्टिंग कर देते हैं जो हमने गुडविल की एंट्री करी है उसकी पोस्टिंग पहले कर देते हैं तो देखो जरा क्या एंट्री थी गुडविल की विजय में विनय में टू विवेक विजय में विनय में विवेक विजय में विनय में टू विवेक और विवेक में आएगा बाई विजय बाई विनय, ठीक है विजय के सामने आएगा क्लास 12800, और विनय का है 6400. तो देखो विजय में विनय में टू विवेक और विवेक में है बाई विजय बाई विनय तो विवेक को मिल गया क्लास 18000, 19200. देखो कितना मिल गया विवेक को 19,200 और विजय और विनय से चला गया कितना क्लास वही बारह छह अट्ठारह और टू आगे बात समझ क्लास तो ये तो हो गया क्लास नॉर्मल आपका घुड़िल का एंट्री अब आते हैं और एडिशन पॉइंट पे क्या क्या लिखा था प्रेमिस अप्रिशिएट हो गया पांच परसेंट से तो लिखो क्लास प्रेमिस आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ बाय प्रेमिस बाय प्रेमिसिस ड्रेड से अप्रिशिएट हो गया फायदा हो गया फर्नीचर अप्रिशिएट हुआ दो हजार से स्टॉक कम हो गया 1800 से तो लिखो फर्नीचर बाई फर्नीचर बाई फर्नीचर और टू स्टॉक स्टॉक कितने से कम हो गया है एटीन हंड्रेड से अच्छा अब उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बन रहा है डेटर्स पे वो पांच परसेंट बन रहा है और प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम क्लेम इंक्रीज हो गया फोर्टीन अच्छा थाउजेंड फोर हंड्रेड अच्छा सुनो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पांच परसेंट देखो डेटा दे रखा है डेटर आप मुझे बताओ ट्वेल्थ थाउजेंड का फाइव परसेंट कितना बनेगा बहुत सोच समझ के बताना ना थाउजेंड का टेन परसेंट तो बनता है ट्वेल्व हंड्रेड फाइव परसेंट छह सौ आपने आठ सौ बना रखा है आपने दो सौ रुपये ज्यादा बना रखा है प्रोविजन तो प्रोविजन कम करोगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना भाई बनना चाहिए था छह सौ आपने बना रखा है आठ सौ तो दो सौ रुपये का हमें क्या हो गया फायदा हो गया ओके टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम तो आपने लीगल क्लेम का प्रोविजन 12 बना रखा था जबकि जो नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है क्लास प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम में 14,400 जो कि नई बैलेंस शीट में आएगा 2400 का मतलब आपका लॉस हो गया स्टॉक हो गया क्लास फर्नीचर हो गया है प्रेमिस हो गया है प्रोविजन फॉर डाउट डेट पांच आइटम हो चुका है बस और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में है ना हो गया खत्म टोटलिंग करो प्रॉफ़िट है लॉस है देखो क्लास रिवैल्यूशन का प्रॉफिट है लॉस है तो अगर आप देखोगे तो ये आ गया एलेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एलेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइनस कर दोगे ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस कर दोगे एटीन हंड्रेड सेवेंटी सेवन हंड्रेड है और ये जो भी बैल पेपर में गोला मत लगाना मैं आपको हाईलाइट करने के लगाता हूँ टू रिवेल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कौन कौन पार्टनर्स हैं इनके नाम ही बड़े कन्फ्यूजिंग है कौन कौन पार्टनर्स है विजय विवेक और विनय विजय विवेक और विनय विजय विवेक विजय विवेक और विनय और इसको कैपिटल अकाउंट में भेजना है तो रेशियो जो है ये आएगा 15, 40 और ये आएगा 3080, 3080, 33617 और सेवेंटी सेवन हंड्रेड राइट तो विजय थ्री ज़ीरो एट जीरो यहाँ लिखो थ्री जीरो एट ज़ीरो थ्री जीरो एट ज़ीरो वन ज़ीरो नहीं पंद्रह सो चालीस है ना वन फाइव फोर जीरो यही था ना वन फाइव फोर जीरो आ जाएगा बाई अच्छा मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले आपको याद है कि अगर तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना है तो तुम्हें गुडविल की एंट्री आनी चाहिए सर हमने कर दी गुडविल की एंट्री रिवल अकाउंट आना चाहिए वो भी आपने कर दिया बांटने वाला आइटम इस क्वेश्चन में है ही नहीं तो छोड़ दो इस क्वेश्चन में कुछ भी बांटने वाला आइटम नहीं है अगर जी आर पेनल कुछ होता तो अपोजिट साइड बांटते बट इसमें नहीं है बट पेपर में मुझे लगता है कि आ सकता है यहाँ पे पेन ला सकता है तो डेबिट साइड बांट देना उसको राइट और इनकी जो रेशियो है वो देख नाइन्टी टू सिक्सटी और फोर्टी नाइन्टी टू सिक्सटी और फोर्टी नाइन्टी टू सिक्सटी और फोर्टी थाउजेंड यह आ जाएगा बाई बैलेंस बी डी बांटने वाला कोई आइटम नहीं है इसके अलावा सब क्वेश्चन ठीक है अब हम टोटलिंग करेंगे और खत्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को इस क्वेश्चन के साथ सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब देखो सिक्सटी थ्री जीरो एट जीरो बारह हजार आठ सौ और सिक्सटी फोर हंड्रेड यार एट्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी एट्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी क्वेश्चन कह रहा है जो पचास हजार रुपए है आप रीड करो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा था कि फिफ्टी थाउजेंड तो लोन में डालेंगे बाकी सब चेक से दे देंगे तो फिफ्टी थाउजेंड लोन में डाल लो टू विवेक लोन अकाउंट कितना फिफ्टी थाउजेंड बाकी जो बचेगा बचा कितना क्लास थ्री डबल टू एट जीरो उसको चेक से पेमेंट कर दो टू बैंक करके और जो दोनों पार्टनर बचे हैं उसका आएगा टू बैलेंस सी डी तो नाइन्टी टू थाउजेंड और थ्री जीरो एट जीरो ये आएगा नाइन फाइव जीरो एट जीरो आएगा नाइन फाइव जीरो एट जीरो नाइन फाइव जीरो एट जीरो माइनस कर दो बारह हजार आठ सौ तो यह आएगा एट डबल टू एट जीरो चालीस हजार और पंद्रह सौ चालीस फोर वन फाइव फोर जीरो फोर वन फाइव फोर जीरो माइनस करेंगे सिक्सटी फोर हंड्रेड का थ्री फाइव वन फोर जीरो ओके और अगर इसमें कुछ ऐसा होता कि जीआर वगैरह तो बांट देते बाकी इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर ले रहा होता कोई कोई भी असेट ले रहा हो पार्टनर्स के अपले अकाउंट एबल टू असेट बेडेड रिकवर होता तो में क्रेडिट साइड तो इस तरीके से क्लास आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा सकते हो और आई होप कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा हमारा सब कुछ आराम से अच्छे से कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन को देख लेना आप राइट तो इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो इसका पी मैं एस पी मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हो राइट अच्छा अब अगर हम बात करेंगे डेथ में अभी हमारा रिटायरमेंट तो हमारा हो गया अच्छे से अब हम बात करेंगे डेथ में क्योंकि हमें रिटायरमेंट डेथ दोनों निपटाना है आज तो रिटायरमेंट हमारा पूरा कवर हो गया अब करेंगे डेथ देखो, डेथ ऑफ ऑफ ए ए पार्टनर पार्टनर देखो के अंदर क्या है तुम्हें तो जिसकी डेथ हो रही है ना उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है वो तो तुम तीन तरीके से निकाल सकते हो या तो तुम उसे निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे या तो तुम उसे निकाल सकते हो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे है ना प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस पे या तुम निकाल सकते हो सेल्स बेसिस पे जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा पेपर में इसकी चांस बहुत ज्यादा है तो तुम्हें सबसे पहले जिसकी डेथ हो रही है ना तो तुम वो कैसे करोगे तुम अगर एक बार को का पता कर लेते हो इंटू जिसकी डेथ हुई है जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का पता कर लेते हो क्या शेयर है इन जितने दिन काम किया है उतने दिन अपॉन तीन या जितने महीने काम किया उतने महीने अपॉन बारह तो डेज में है तो डेज अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव अब मंथ है तो मंथ बाई ट्वेल्व इतना तुम्हें करना पड़ेगा डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलाएगा अब फिर इस प्रॉफिट की जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी तो जनरल एंट्री के दो केसेस है पेज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान समझना ठीक है सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज इफ न्यू रेशियो इज गिवन और इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तुम्हें डेथ में यह चेक करना है कि तुम्हें नई रेशियो दे रखी है या नई रेशियो नहीं दे रखी अगर तुम्हें नई रेशियो नहीं दे रखी है अगर तुम्हें नई रेशियो नहीं दी है तो तुम्हें जो भी डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट उसकी एंट्री पास करनी है पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट लॉस में उल्टा कर देना मैं लॉस की एंट्री नहीं लिखवा रहा लॉस अगर हो गया तो उल्टा कर देना डिसीज पार्टनर कैपल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस ये हो जाएगा अगर नई रेशियो तुम्हें नहीं गिवन है अगर नई रेशियो तुम्हें गिवन है फिर तुम्हें प्रॉफिट हो गया है तो तुम एंट्री पास करोगे रिमेनिंग टू डिसीज रिमेनिंग टू डिसीज किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में और लॉस के केस में उल्टा कर देना लॉस के केस में कर देना डिसीज टू रिमेनिंग वो भी किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है तो अलग ट्रीटमेंट होगा नहीं है तो अलग ट्रीटमेंट ध्यान रखना यही सेम एंट्री यही सेम एंट्री गुडविल की भी आप करते हो रिटायरमेंट हो चाहे डेथ दोनों में गुडविल की एंट्री दोनों चैप्टर में सेम होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग और डेथ में रिमेनिंग टू डिसीज। बस रिटायरिंग की जगह डिसीज वर्ड लगा देते हैं बट है सारा हिसाब किताब वही ओके तो ये प्रॉफिट की एंट्री एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास यहां पे राम मोहन हरि दो नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे और सेल्स बेसिस पे ही ज्यादा चांस है तो मैं दिखाऊंगा आपको अभी राम मोहन पार्टनर से हरि की डेथ होगी तीस जून अप्रैल में जून महीने काम किया महीना ध्यान रखना कितने महीने काम किया अप्रैल में जून तीन महीने काम किया तीन तो साल का एवरेज बोला है ना। तो ले लो आप एवरेज कितना है क्लास पे? एक लाख दस एक लाख बीस एक लाख तीस तीन लाख तो, तो ये हो गया तीन लाख साठ हजार डिवाइड बाई थ्री वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मैंने ऐसी निकाल दिया। आप में के। निकाल निकालना चाहो तो एवरेज वन ट्वेंटी है तो हर साल हम ऑन एन एवरेज एक बीस कमाते हैं हरी का हिस्सा निकालना है तो हरी का हिस्सा कैसे निकालोगे हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ का ही देना है पूरे फॉर्म का प्रॉफिट एक लाख बीस हजार है हरी का जो हिस्सा है वो कितना है क्लास इस क्वेश्चन में रेशियो तो नहीं दी है कि तीनों की क्या रेशियो है तो हरी का वन बाई थ्री हो रहा होगा राइट राइट कितने महीने काम किया है थ्री बाई ट्वेल्व थ्री मंथ काम किया है तो अगर आप देखोगे तो यह टेन थाउजेंड आ रहा है सॉल्व करके और प्रॉफिट्स की एंट्री इसमें न्यू रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है तो प्रॉफिट क्या एंट्री करोगे पी एंड एल फॉर्मेट बना के पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट बीइंग हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड बीइंग हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट बींग हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट आई होप आप समझ गए आई होप आप सीख गए कि प्रॉफिट की क्या एंट्री करते हैं एवरेज अगर क्वेश्चन क्या था प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे तो 19 20 प्रीवियस ईयर नहीं है प्रीवियस ईयर 21 है तो आप 21 का लेते हैं ये लेते हैं आप एक लाख तीस हजार प्रिसीडिंग ईयर मतलब जस्ट प्रीवियस जो अभी जस्ट पिछला साल है वो हो गया क्लास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मनोज राकेश और ये पार्टनर हैं यहाँ पे लिखा है कि डिसाइड टू कंटिन्यू बिजनेस शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास यहाँ पे साल के शुरू से डेथ ऑफ अ पार्टनर ये कहते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे जो पिछले साल का था देखो इससे पहला क्वेश्चन था एवरेज का ये लास्ट ईयर प्रॉफिट है लेकिन लास्ट ईयर का लॉस हो गया दो लाख ध्यान समझना लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं हुआ है लास्ट ईयर का लॉस हो गया दो लाख किसकी डेथ हुई है मनोज तो मनोज को भी लॉस मिलेगा है ना मनोज शेयर ऑफ लॉस कितना लॉस मिलेगा मनोज को दो लाख और मनोज का हिस्सा कितना है मनोज तो पहला ही पार्टनर है टू बाई फाइव टू बाई फाइव फाइव वन जै फाइव फाइव फोर जै ट्वेंटी फोर टू जै एट्टी थाउजेंड मनोज का अस्सी हज़ार आ जाएगा राइट और तुम्हें इसके बाद आएगा यहाँ पे और नई रेशियो तो दिया हुआ है ही नहीं तो प्रॉफिट की एंट्री पी सस्पेंस टू डिसीज होगा लेकिन ये तो लॉस है तो डिसीज यानी कि मनोज उल्टा कर देना भूलना मत मनोज के अपने अकाउंट डेबिट कितने का है क्लास एटी थाउजेंड टू पी एन अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक गलती कर दी हमने ये पूरे साल का है ना टू बाई फाइव मनोज की डेथ कब हुई है तीस जून अप्रैल में जून तीन महीने काम किया बेटा थ्री बाई ट्वेल्व मत भूलना करना थ्री बाई ट्वेल्व तीन महीने काम किया है ना भैया तीन महीने का ही मिलेगा थ्री बाई ट्वेल्व करो एट्टी थाउजेंड आ गया था कर दो, का. इसको सही से कर लेते हैं एट्टी थाउजेंड का थ्री बाई टा कितना है क्लस टू बाई फाइव तीन महीने काम किया है थ्री बाई ट्वेल्व एट्टी थाउजेंड इंटू थ्री बाई ट्वेल्व कितना देखवाएगा एट्टी थाउजेंड इंटू थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व ट्वेंटी थाउजेंड आ गया तो बस एट्टी मत लिखना है क्लास उसको जो मिलेगा ना प्रॉफिट जो लॉस वो झेलेगा वो ट्वेंटी थाउजेंड का लॉस झेलेगा तो यहाँ पे उल्टी एंट्री कर दी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेनल सस्पेंस बींग डिसीज शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट और फॉर्मेट छोटा सा बना के लाइन खींच के दो नरेशन लिख देना हो गया एंट्री तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा दोनों चीज समझा दिया प्रीवियस ईयर बेसिस बेसिस पे पे भी भी समझा समझा दिया दिया एवरेज अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान समझना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये मतलब इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा और सेल्स बेसिस पे भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे सेल्स बेसिस पे कैसे काम करते हैं राइट चलो इतना ही है बस अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन सेल बेसिस पे हम क्या करते हैं सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ बेसिस पे कंफ्यूजन ना हो आपको तुम्हें पिछले साल का सेल दिया होगा पिछले साल का मतलब ये बीस इक्कीस चल रहा है तुम्हें उन्नीस बीस की सेल दी होगी उन्नीस बीस की सेल मान लो सेल दिया है पांच लाख ठीक है तुम्हें उन्नीस बीस का प्रॉफिट दिया होगा है ना ऊपर नीचे करके कहीं भी दिया हो उन्नीस बीस का प्रॉफिट एक लाख है तो तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है कि यार तुम कमाते कितना पाँच का माल बेच के एक लाख कमा रहे उसने तीन महीने काम किया चार महीने काम किया छह महीने काम किया नौ महीने काम किया उसकी सेल दी होगी तुम्हें तो तुम्हें उसका प्रॉफिट निकालना यह गिवन होगा तुम्हें ठीक है तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालोगे इस तीन लाख का भी ट्वेंटी परसेंट तुम ट्वेंटी परसेंट कमाते हो तीन लाख का ट्वेंटी परसेंट कितना बनता है क्लास सिक्सटी थाउजेंड तीन लाख का ट्वेंटी परसेंट कितना बनता है सिक्सटी थाउजेंड तो ये प्रॉफिट तीन महीने का है लेकिन सबका है तो जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा कैसे निकालोगे सिक्सटी थाउजेंड मान लो उसका हिस्सा वन बाय थ्री है तो फिर मंथ बाय ट्वेल्व मत करना बस खत्म मंथ बाय ट्वेल्व क्यों नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें ये सेल तीन महीने की थी जब तक वो जिंदा था तब तक का सेल लिया है इस सेल में उसका योगदान है तीन महीने का प्रॉफिट है तो ऑलरेडी तीन महीने का ही तो है तो फिर मंथ बाय ट्वेल्व सेल्स बेसिस पे हम नहीं करते ओके okay. मैक्सिमम क्या हो सकता है कि पिछले साल की प्रॉफिट मान लो ट्वेंटी परसेंट था इस साल प्रॉफिट बढ़ गया इक्कीस हो गया बाईस परसेंट हो गया ऐसा कुछ लैंग्वेज बोलेगा तो वो भी आप समझ जाओगे मैंने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्लास देखते हैं मनु नेहा और श्रेया ये तीन पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो क्या है क्लास टू थ्री फाइव टू बाई टेन थ्री बाई टेन फाइव बाई टेन The firm closes book 31st March every year as per the terms of partnership deed on the death of any partner. The share of goodwill. अच्छा ये goodwill की वैसे तो आएगा नहीं लेकिन क्योंकि retirement में आ सकता है तो मैंने इस question को यहाँ दे दिया है. तो जो goodwill है वो deceased partner का कैसे calculate होगा? On the basis of ध्यान सुनना. 50% of the net profit credited to credited to the partner's capital account during the last four completed years. कहते हैं पिछले चार साल में जो profit हुआ तो मैंने पिछले चार साल का प्रॉफिट इनको जोड़ूंगा इसे घटाऊंगा पिछले फोर ईयर का जो प्रॉफिट मेरे सामने आ गया है वो आ गया वन लाख नाइन्टी फोर था थाउजेंड राइट पिछले चार साल प्रॉफिट है तो मनु को कितना मिला होगा पिछले चार साल का प्रॉफिट वन लैख नाइंटी फोर है तो मनु का हिस्सा कितना है, क्लास? टू बाई टेन मनु का हिस्सा है टू बाई टेन थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड अब इसका परसेंट जो है वो क्लास बनेगा मनु की गुडविल अब इसका 50% परसेंट मतलब आधा 19,400 ये है मनु की गुडविल ये है क्लास क्या मनु की गुडविल ध्यान समझे ना मेरी बात तो जो भी तुम्हें पूरे फर्म की गुडविल तो, सॉरी एक काम करना है क्या करना है चार साल के प्रॉफिट को जोड़ो मनु को कितना मिला वो निकालो उसका फिफ्टी परसेंट क्या लिखा तो तुम्हारे खाते में चार साल तक जितना मुनाफा गया है उसका आधा गुडविल है ऐसा निकाल दिया. तो चार साल में मुनाफा फोर हंड्रेड की गुडविल हो गई और गुडविल की एंट्री आप सबको पता है रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती है रिमेनिंग कौन है नेहा तो नेहा डेबिट श्रेया श्रेया डेबिट टू मनु तो भाई मनु को कितना मिलेगा गुडविल ये सेम रिटायरमेंट में भी था डेथ में भी है लेकिन एक गेनिंग रेशियो मिलेगा इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है देखो कहीं भी गिवन है नई रेशियो इस क्वेश्चन में तो नई रेशियो कहीं भी गिवन नहीं दिख रही मुझे तो अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो आप मनु को छुपा लो यहाँ से थ्री रेशियो फाइव थ्री बाई एट फाइव बाई एट यही गेनिंग रेशियो आ जाएगी सिंपल जो छोड़ के जा रहा है उसको हटा लो जो बचा वही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो तो नाइनटीन है थ्री बाई एट कर दिया तो आगे सेवन टू सेवन फाइव ये गुडविल की एंट्री हो गई राइट फाइव बाई एट कर दिया तो आगे to ठीक है? तो ये हो गया क्लास गुडविल की एंट्री और बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल तो पार्टनर का जो गुडविल मिलेगा वो नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड मिलेगा सेम सेम रिटायरमेंट में भी यही पॉइंट पूछ सकता है तो ये तो पॉइंट हो गया एक गुडविल का अगले पेज पे क्या लिखा है इक्कीस 21 21 लाख पिछले साल का यानी कि इकतीस मार्च इक्कीस का प्रीवियस ईयर सेल ध्यान से देखना वैसे सिखाया था वैसे ही निकालूंगा प्रीवियस ईयर सेल कितना है 21 लाख का 1 अप्रैल से 30 जून अप्रैल में जून 3 महीने की सेल कितनी है मुझे बताओ 3 मंथ तक काम किया उसने 3 मंथ की सेल कितनी है <clears throat> 2 लाख और 2021 का जो प्रॉफिट है वो इधर तो कहीं दिया नहीं लेकिन पिछले पेज पे लिखा हुआ था येरा दो हजार का प्रॉफिट 84,000 है कितना है क्लास 84,000 प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अब बच्चे एक बात बताओ पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था 84,000 माल बिका था 21 लाख का इन टू करो 84,000 डिवाइड बाय 21 लाख इन टू सिर्फ चार परसेंट आपका प्रॉफिट है सिर्फ चार परसेंट तो थ्री मंथ का जो प्रॉफिट होगा तो वो होगा दो लाख का चार परसेंट वो आएगा आठ हजार तीन महीने का जो प्रॉफिट है वो तीन महीने की जो सेल है वो है दो लाख प्रॉफिट परसेंटेज हमने पिछले साल से निकाल लिया है चार परसेंट कम है लेकिन हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमें तो कैलकुलेशन करना है बस हमें कौन सा मिल रहा है तो ये बस आपको बोलना है कि कितना प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट अच्छा ये तीन महीने का प्रॉफिट लेकिन सबका है तो मनु का शेयर निकालो पहले मनु का शेयर तो सबका है ना और मनु का हिस्सा कितना था इस क्वेश्चन में देखो 2 by 10, है ना तो 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 बहुत ही कम हो जाएगा जाएगा ये तो ये आ आ कितना क्लास 1600. 1600 आएगा गया तो ओके और फिर क्या पूछा है वॉट विल बी दर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड ऑफ प्रॉफिट देखो गुडविल की एंट्री तो मैंने तुम्हें बता दिया है ना गुडविल की एंट्री तो हम लोगों ने कर ली थी ना पिछले क्वेश्चन पिछले पेज पे ये रहा. ये थी गुडविल की एंट्री ओके ये गुडविल की एंट्री है प्रॉफिट की एंट्री क्या करें क्योंकि नई रेशियो नहीं गिवन है क्योंकि नई रेशियो नहीं गिवन है तो पी एन एल सस्पेंस टू मनु कैपिटल अकाउंट सोलह सो सोलह सो नई रेशियो गिवन ही नहीं है तो पेनल सस्पेंस टू मनु कैपिटल अकाउंट सोलह सौ सोलह सो कोशिश करी मैंने हर चीज कवर करने की हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट कवर करने की और फाइनली क्लास अगर ये लॉस होता तो पलट देते नई रेशियो गिवन होती तो गेनिंग रेशियो निकाल के फिर एंट्री करते मतलब अगर नई रेशियो गिवन होती ना तो सेम यही एंट्री हो जाती सोलह की सेम यही रिमेनिंग टू डिसीज इन गेनिंग रेशियो बिकॉज गुडविल की और प्रॉफिट की एंट्री सेम होगी अगर नई रेशियो आपको नहीं दे रखा है तो सॉरी uh, रेशियो दे रखा है गेनिंग रेशियो आप निकालोगे गेनिंग रेशो निकाल के गुडविल की एंट्री रिमिंग टू रिमेनिंग टू डिसीज है प्रॉफिट की एंट्री भी रिमेनिंग टू डिसीज होगा लॉस केस में उल्टा कर देना है गुडविल की एंट्री अगर आप पूछा आता है डेथ में डोंट वरी सेम टू तो सेम रिटायरमेंट जैसा है हालांकि पूछेगा नहीं बट पूछा आता है तो और डेथ में सेल्स बेसिस से पूछ सकता है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना एक आध बैलेंस शीट की क्वेश्चन भी बनाना है रिटायरमेंट में क्योंकि आएगा बहुत कम चांस है लेकिन बना लेना टेक केयर बाय बाय थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए और बिल्कुल गला बैठा जा रहा है आवाज़ निकल नहीं रही है इसको सेशन को एंड करते हैं कल फिर से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हमने पहले हमने कहा था चार दिन में खत्म करेंगे पहले हम लोगों ने पूरा एन खत्म कर लिया अच्छे से आज हमने रिटायरमेंट डेथ खत्म कर लिया अब कल हम लोग करेंगे सेम टाइम पर वीडियो आएगी कल हम लोग करेंगे क्लास डिजोल्यूशन को खत्म करेंगे और डिवेंचर कल डिजोल्यूशन डिवेंचर खत्म करेंगे फिर परसों हम लोग कैश फ्लो और कंपेरेटिव खत्म करेंगे पूरा का पूरा आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि एन पी ओ आप मॉकटेस्ट बनाओ एसपीसी से आपसे क्लास मॉक टेस्ट ले लो क्लास वहाँ से और मॉक टेस्ट बनाओ उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी उसके अंदर है बहुत सी नोबलसी प्राइस है क्लास की वीडियो मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत सारी एडिटिंग कॉस्ट आती है वो सब तो आप उसको पूरा का पूरा बनाओ और बनाने के बाद देखो कि एन के सारे क्वेश्चन बन गए रिटायरमेंट डेथ के सारे क्वेश्चन बन गए इस तरीके से यहाँ पूरा पूरा बना सकते हो जैसे बनाना बनाओ बट प्लीज़ उन मॉक टेस्ट को बनाना बहुत टाइम लगा के उसको रिसर्च करके बनाए इसलिए बोल रहा हूँ बहुत फायदा होगा आपको पेपर में सारा उसी में देखने को मिलेगा टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय